हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? बड़े दिनों के बाद आज हम यहाँ पर फिर से क्लास ले रहे हैं और फिर से एक सेशन में हम मिले हैं, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। हम लोग CDS 2020-21 की प्रिपरेशन कैसे करने वाले हैं और आगे आने वाले CDS 2020-21 में हम किस तरीके से आगे अपने क्वेश्चंस, अपने सिलेबस को कवर करेंगे आगे आने वाले 2-3 महीनों में, उस सब पे डिस्कशन करने वाले हैं, इंग्लिश के सारे पार्ट्स को कवर करते हुए। तो उससे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, मैं किशन सिंह राठौड़ आपको इंग्लिश ग्रामर और कॉम्प्रेंशन पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। क्रैक CDS एफकेट CAPF विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, भारत के सबसे बेहतरीन और सबसे लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर आए। जिसने अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है दोस्तों, जल्दी से प्लस का सब्सक्रिप्शन आप लोग ले लीजिए। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है? सबसे पहले डेली लाइव क्लास मिलती है, जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, एजुकेटर के साथ डिस्कस कर सकते हैं और आंसर कर सकते हैं पोल में, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। इसके अलावा आपके पास स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मतलब आपके एग्जाम में जो सिलेबस आपका है उसको ध्यान में रखते हुए आपका जो है कोर्स बनाया जाता है, और उससे रिलेटेड जो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपकी एग्जाम की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाती है दोस्तों। इसके अलावा लाइव टेस्ट और क्विजेज हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू क्रैक एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इज लाइव टेस्ट एंड क्विजेज। आपकी तैयारी इसमें बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है दोस्तों। उसके अलावा है अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है जितने समय के लिए आपने कोर्स लिया है उस समय के अंदर जितने भी कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, जितने भी एजुकेटर्स के, जितने भी सब्जेक्ट के कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, वो सारे के सारे आप कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। क्लास आप लाइव भी देख सकते हैं और रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, ठीक है? क्लास आप लाइव भी देख सकते हैं और रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। चलिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो तुरंत इसको जल्दी से जल्दी इंस्टॉल करें, क्योंकि यहां पर आपको फ्री लाइव क्लासेस भी मिलती है और बहुत सारे सब्सक्रिप्शन भी मिलते हैं दोस्तों। मैं रेगुलर फ्री लाइव क्लास लेता हूं सुबह 11 बजे, 11 AM, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइव क्लासेस हैं। यहां से आपकी एग्जाम की बहुत शानदार प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है? तो ये क्लासेस सभी के लिए फ्री होती है। ये आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसको आप जल्दी से जल्दी डाउनलोड करें और फ्री क्लासेस लें। इसके अलावा बहुत सारे सब्सक्रिप्शन हैं। आपको फ्री लाइव कंटेंट कैसे मिलेगा मेरे कोड से? तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, स्टेप वन में आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है, अपना गोल सेलेक्ट करना है। गोल सेलेक्ट आप कर लेंगे CDS एफकेट CAPF। उसके बाद टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको मेन्यू बटन दिखेगा, वहां आपको स्पेशल या फ्री लाइव क्लास के नाम से मिलेगा। वहां पर आपसे कोड मांगा जाएगा, एंड दिस इज माई कोड RATHORE10 Rathod10 दोस्तों। इस कोड का यूज करें और इस कोड का यूज करने पर आप अपने जो है लाइव क्लासेस जो फ्री है उसे अनलॉक कर पाएंगे, और आप क्विज भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्विज ज्वाइन के लिए ये सारे स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करें। टेलीग्राम ऐप, अगर टेलीग्राम चैनल आपने हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम बता रहा हूं, वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स, वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स, ठीक है? या फिर दूसरा चैनल है वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट। इसको आप जब करेंगे तो यहां पर आपको क्लास की इंपॉर्टेंट जितने भी क्लासेस है, जितने भी एजुकेटर्स, सारे एजुकेटर्स की क्लास की नोटिफिकेशंस मिल जाती है और इंपॉर्टेंट PDFs आपको यहां पर प्रोवाइड हो जाती है। तो ये चैनल जरूर ज्वाइन कर लें अपने टेलीग्राम का अगर नहीं किया है तो। नेक्स्ट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, 11 अगस्त से CDS के लिए एक बैच स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी प्लस में, जिसमें चारों एजुकेटर आपको दिख रहे हैं, मयंक पांडे सर, दिव्या मैम, अर्पित नीलांश पांडे सर और मैं किशन सिंह राठौड़ आपको उसमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा 11 अगस्त से। मेरा टाइमिंग उसमें रहेगा 11:30 to 12:30। ये कोर्स पूरी तरीके से CDS 2020-21 को समर्पित है दोस्तों, और उसकी बहुत बेहतरीन तैयारी यहां पर आपकी हो जाएगी। आप इस बैच को ज्वाइन कर लें, ठीक है? आपको अनअकैडमी प्लस में यहां पर अनअकैडमी का ऐप खोलने पर यहां पर ये कोर्स मिल जाएगा, जिसका नाम है मिशन IIM क्लासिक बैच फॉर CDS 2020-21। जो भी CDS 2020-21 को टारगेट कर रहा है उनके लिए एक बेहतरीन बैच ये है, 11 अगस्त 2021 से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? चलिए,
अब आपको प्लस के बैचेस के लिए चाहिए होगा सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन के लिए आप देखें फीस 24 मंथ्स की 14,080 रुपये है, ठीक है, 12 मंथ्स की 9,680 रुपये है, 6 महीने का अगर आप लेना चाहते हैं तो 7,920 रुपीज़, 3 मंथ्स का लेना चाहते हैं तो 4,400 रुपीज़। इन सभी कोर्सेज में, इन सभी फीस में आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। उसके लिए आपको रेफरल कोड यूज करना होगा, रेफरल कोड आप मेरा यूज कर सकते हैं, अगेन RATHORE10 Rathore10, इससे आपको सभी कोर्सेज में आपको देख सकते हैं 10% डिस्काउंट मिलने के बाद 24 मंथ्स का 12,672 रुपीज रहता है और 12 मंथ्स का 8,712, और बाकी आप सब देख सकते हैं, ठीक है। तो कोड यूज करके प्लस का सब्सक्रिप्शन लें और जल्दी से अपने बैचेस में एनरोल करें और पढ़ाई करें, शानदार तरीके से सिलेक्शन लाएं। चलो भैया, स्ट्रेटजी फॉर CDS 2 2021 इंग्लिश, मैं सिर्फ इंग्लिश की बात करूंगा दोस्तों, इंग्लिश CDS 2 2021 के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या है, कौन सी बुक्स होनी चाहिए या कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं या अदर सब्जेक्ट्स, ये सारी बात हम किसी दूसरे सेशन में करेंगे। इस सेशन में हम लोग सिर्फ बात करेंगे CDS 2 में हम लोग आगे सेशंस किस तरीके से लेंगे इंग्लिश के लिए और कैसे क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। बेसिकली आप ये देखिए CDS के एग्जाम में पूछा क्या जाता है, देखो 10 क्वेश्चन तो आपके एरर के पूछे जाएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन वेराई कर सकते हैं लेकिन हर बार होते हैं इतने, तो ये रहेगा। फिलर्स जिसे सेंटेंस कंप्लीशन के नाम से भी आता है वो भी आपका पार्ट रहेगा। इसमें ग्रामेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, कभी कभी वॉकैब बेस के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो हम इसको भी कैसे करेंगे वो आगे बात करते हैं। देन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक सेक्शन डाला गया है पिछले 2-3 एग्जाम CDS में, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी वर्ड को दे देंगे और उससे पूछेंगे कि आपका ये वर्ड जो है ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, कंजंक्शन है या क्या है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको बताना होगा। तो ये हमारे पिछले एग्जाम्स में जैसे फर्स्ट वाले में भी आया था, CDS 1 में भी, तो संभावना पूरी है कि इस बार भी ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देन CDS 1 2021 में एक अलग से पोर्शन आया था इन दो टॉपिक्स का, डिटर्मिनर्स और प्रिपोजिशंस का, ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोज टेस्ट में भी इनको पूछ लेते हैं दोस्तों, फिलर्स में भी इनको पूछ लेते हैं, एरर से भी इनके क्वेश्चन आ जाते हैं, और अब पिछली बार तो 10 क्वेश्चन अलग से ही आए थे डिटर्मिनर्स और प्रिपोजिशंस के CDS 1 में, जैसा कि उम्मीद है CDS 1 का ही जैसा CDS 2 का भी रहेगा पैटर्न, बिकॉज इतना जल्दी जल्दी एग्जाम के वो पैटर्न में और जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें डिफरेंस करते नहीं है, तो ये मान के चलना चाहिए कि ये भी इस बार एग्जाम में हो। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, ये पार्ट अलग जुड़ा था CDS 1 2021 में, आप देखेंगे मैं आपको प्रीवियस पेपर, इसका जो पेपर आया था लास्ट CDS 1 का वो पूरा कराऊंगा, इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस हम करेंगे। ये एक सेंटेंस का पार्ट दिया जाता है और उसके बाद 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उस जो एक पार्ट हमको दिया है उससे कनेक्ट करके कौन सा सेंटेंस को पूरा बना पाएगा, ऐसे करके हमको सेलेक्ट करना होता है। तो इसमें कंजंक्शन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपोजिशंस का टॉपिक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये इसकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। 10 से 15 क्वेश्चन पैसेज के पक्का होंगे, 10 से 15 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के हमेशा होते हैं वो होंगे, 10 क्वेश्चन बेसिकली पिछली बार थे वैसा ही इस बार रहेगा। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स 10 क्वेश्चंस बिल्कुल हमेशा होते हैं वो रहेंगे, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस ये हमेशा होते हैं ये रहेंगे, उसके अलावा 30 क्वेश्चंस की वोकैब, ठीक है, 30 क्वेश्चन की वोकैब में आपके 10 क्वेश्चन एंटोनियम सिनोनियम से पूछ लिए जाते हैं, 10 क्वेश्चन एंटोनियम्स 10 क्वेश्चन सिनोनियम्स के पूछ लिए जाते हैं, और 10 हमको idioms और phrasal से पूछे जा सकते हैं, phrasal verb भी इसमें पूछ लेते हैं, idioms and phrasal verbs, ठीक। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी ना किसी टॉपिक को छोड़ के उसकी जगह नया टॉपिक अगर वो ऐड करना चाहें, जैसे कि कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस हर बार नहीं होता है, या कोई भी एक टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच को छोड़ के अगर कुछ और पूछना चाहे, तो ये दो टॉपिक और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके, पैसिव वॉइस एंड नरेशन, क्योंकि पहले 2 साल पहले तक CDS में हमेशा पूछे जाते थे, तो अभी भी वो वापस पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट आपके स्पेलिंग एरर्स, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स के क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं 10 क्वेश्चन। तो कुछ कुछ हमारा ये पैटर्न रहेगा, बेसिकली इस बार ये रहेंगे शुरुआत के जो 5 और ये 5 ये 6 जो 11 टॉपिक्स हैं, इनमें से 12 टॉपिक्स, हाँ 11 और ये क्योंकि इसमें 3 है, तो ये टॉपिक हमारे रहते हैं, ठीक है। चलिए,
अब इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है हमको और हम इसको कैसे आगे क्लासेस में सेशंस में करेंगे उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो CDS 2 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है कि CDS टॉपिक में CDS में हम लोग एक प्लस में बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। मिशन IIMA क्लासिक बैच फॉर CDS 2 2021 दोस्तों ये बैच 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इसमें CDS 2 को टारगेट बना के सारी पढ़ाई की जाएगी। तो मैं इंग्लिश के अंदर इसमें टॉपिक्स कवर कर रहा हूं इस मंथ के लिए। क्लास इसकी टाइमिंग जो है प्लस वाले बैच की रहेगी 11:30 to 12:30, ठीक है। 11 से स्टार्ट है, आप जाके कोर्स को अभी एनरोल कर सकते हैं अगर आप लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन लिए हैं, नहीं लिए हैं तो आप ले लो। 11:30 to 12:30 इसका टाइमिंग रहेगा। आज ये पेन टैब थोड़ा सा चलने में दिक्कत दे रहा है। एनीवेज इसमें मैं टॉपिक कवर करने वाला हूं सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे एरर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। इस ये बेसिक्स है तो इसको पहले पूरा समझेंगे। उसके बाद इसमें मैं प्रीपोजिशन का टॉपिक ले रहा हूं जो कि आपको मैंने अभी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन। उसके बाद मैंने आपको इसमें ले रहा हूं डिटर्मिनर्स का टॉपिक, ठीक है। डिटर्मिनर्स का टॉपिक ले रहा हूं तो डिटर्मिनर्स का टॉपिक अभी मैंने बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं, तो ये कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं हो पाए। अगर 10 क्वेश्चन पूछे तो 15 क्वेश्चन पूछे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें टॉपिक पढ़ा रहा हूं दोस्तों कंजंक्शन। कंजंक्शन का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे मैं जो कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम 10 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें बहुत बड़ा रोल कंजंक्शन का है, तो मैं वहां पे इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो ये जो है बहुत सारे मार्क्स का जो है वेटेज है। इसके बाद मैं ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस इसमें पढ़ाऊंगा, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस जिसका जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉरी जिसके 20 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। मार्क्स तो क्योंकि 0.83 मार्क्स का वन क्वेश्चन होता है, हम सब जानते हैं 0.83 मार्क्स, तो 20 क्वेश्चन यहां पे। उसके बाद मैं इसमें 3 प्रैक्टिस पेपर लूंगा जो हमारे एग्जाम के सिलेबस से इनलाइन होंगे। सिलेबस में एग्जाम में किस तरीके का पैटर्न होता है वैसा टेस्ट लेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी इस मंथ के लिए इस बैच में बहुत सारा मैं कवर कर रहा हूं, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स, कंजंक्शन और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स का पार्ट। तो करीब करीब, और इसके अलावा टेस्ट करें तो करीब करीब हम 120 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन इसमें से कवर कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस भी शामिल कर लेते हैं तो 40 to 50 मार्क्स तो इस मंथ में कवर कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में इसी बैच में पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन कराऊंगा, क्लॉज टेस्ट कराऊंगा, तो ये बैच आपके लिए बेहतरीन है। उसके अलावा हम लोग यूट्यूब पे क्या सेशन करने वाले हैं वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले दोस्तों यूट्यूब पे जो हमारा इसी चैनल पे वाईफाई डिफेंस एग्जाम्स जो चैनल है हमारा, इस पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं 12th से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशंस। और उस प्रैक्टिस सेशन में क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन उस टॉपिक से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं एग्जाम में वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक कौन कौन से, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, वर्ब में फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब दोनों, कंजंक्शन और प्रीपोजिशंस, ये सारे के सारे टॉपिक, एरर रिलेटेड क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं इनमें, वो सारे क्वेश्चन मैं यहां पर कवर करने वाला हूं। और 12th से स्टार्ट होगा, सुबह 10:30 बजे हमारी क्लास होगी ऑन द वेरी चैनल, इसी चैनल पे सुबह 10:30 बजे। और एग्जाम में इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों ये सारे के सारे हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स एंड ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, इसकी प्रैक्टिस आप कहां से कर सकते हैं। एक तो प्लस में मैं पूरा इसका बेसिक समझा रहा हूं, क्या क्या ट्रिक्स इनकी बनती है, किन किन ट्रिक्स से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी की सारी। और प्रैक्टिस के लिए स्पेशल क्लास में लेता हूं दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, वो अभी भी चल रही है क्लास, मतलब इन दिनों में भी रेगुलर हुई है वो क्लास। और इस डेली स्पेशल जो मेरा सेशन होता है उसमें मैं 5 क्वेश्चन ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस के फुल प्रैक्टिस करवाता हूं। आप बेसिक यहां से पढ़ सकते हैं पूरा कंप्लीट करके, यहां पे इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, एक ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस एक ऐसा टॉपिक है जिससे सभी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस गलत होते हैं एग्जाम में, ठीक है, और बहुत इसको लेके चिंता है। मैं आपको बताता हूं कि इसमें पूरे 10 के 10 क्वेश्चन सही होते हैं। आप एक बार क्लास लेके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ईजी है और बहुत हम इसमें पूरा का पूरा 10 मार्क, 10 क्वेश्चन है पूरे सही कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आप जरूर किया करो, इसके स्पेशल क्लास में इसकी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे चल रही है। आप अनअकैडमी ऐप पे जाएंगे तो वहाँ स्पेशल फ्री क्लास में मेरी स्पेशल क्लास दिखेगी आपको, उसमें आपको यहाँ वो आप फॉलो कर लेना और एनरोल कर लेना उस क्लास को, आप वहाँ पे बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं अभी तक इसके 100+ क्वेश्चन करा चुका हूँ और CDS से पहले टारगेट है कि मैं कम से कम 100+ क्वेश्चंस इसके और करवाऊँ, बल्कि 200 तक क्वेश्चन करवा दूंगा। और दोस्तों इसमें प्रैक्टिस से ही सही होगा। आप अगर ऐसा सोचें कि 10-15 क्वेश्चन करने के बाद में ये हमारे सही हो जाएंगे तो बिल्कुल गलतफहमी है। कम से कम 150 से 200, 150 to 200 क्वेश्चंस इसके करने पड़ेंगे, तब वो एक्यूरेसी आएगी कि एग्जाम में पूरे 10 क्वेश्चन कवर कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस भरपूर चल रही है, स्पेशल क्लास में ज्वाइन करो, आप लोग सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो। नेक्स्ट, ये दो टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड पार्ट्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सारा बेसिक मैं आपको प्लस कोर्स में कराऊंगा नेक्स्ट मंथ में, सारा बेसिक, नाउन क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एडजेक्टिव प्रोनाउन एडवर्ब कंजंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सेंटेंस में इनके यूजेस क्या होते हैं, और हम इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे, या जैसे बट वर्ड को हम लें तो बट के 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, अलग अलग प्रोनाउन भी होता है, एडवर्ब भी होता है, रिलेटिव प्रोनाउन तो होता है, ये कंजंक्शन होता है, प्रिपोजिशन भी बनता है, तो कैसे इनके अलग अलग यूज होंगे और इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि बट वर्ड जो है ये कब प्रिपोजिशन बनाए कब कंजंक्शन बनाए, ये सारी चीजें बेसिक में प्लस में समझाऊंगा। और इसकी सारी की सारी प्रैक्टिस हम यूट्यूब पे इसी क्लास पे इसी चैनल पे नेक्स्ट मंथ करेंगे और इसके सारे के सारे क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट मंथ में। इसके बाद कॉम्प्रेंशन में आ जाओ, तो कॉम्प्रेंशन के आपके पार्ट्स बचते हैं भैया पैसेज और क्लॉज टेस्ट। दोस्तों पैसेज और क्लॉज टेस्ट मैं आपको यूट्यूब पे ही करवाऊंगा 10:30 बजे सुबह। आप अपने सारे दोस्तों के साथ ये शेयर कर लेना कि मैं CDS में जितने भी टॉपिक्स हमारे आते हैं उन सब के टोटल के 100+ क्वेश्चंस ईच टॉपिक से प्रैक्टिस करेंगे हम यहां पर। और बेसिक्स प्लस में कोर्स चल रहा है IA में, मिशन IA में, उसमें हम लोग बेसिक सारा पढ़ रहे हैं, और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको यहां पर यूट्यूब पे इस चैनल पे सारा करवा दूंगा, जितने भी टॉपिक्स है सबके 100+ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, चाहे पैसेज हो चाहे क्लॉज टेस्ट हो। लेकिन वो करेंगे कैसे, सीक्वेंस उनका देख लो। इस मंथ में हम लोग ग्रामर वाले सारे पोर्शन को कवर करेंगे, नेक्स्ट मंथ में हम ऑर्डरिंग, अच्छा ये ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस ये तो स्पेशल क्लास में चल रहा है, ये रेगुलर वहां पे चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मंथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस पैसेज क्लॉज टेस्ट ये सारे के सारे यूट्यूब पे मैं आपको करवाऊंगा 100+ क्वेश्चंस ईच। ठीक है, तो ये मेरी, उसके अलावा मैं आपको वोकैब के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। देखो दोस्तों वोकैब के लिए एंटोनियम और सिनोनियम बनाने के लिए आपको ऑडिट एडिटोरियल जो है द हिंदू का एडिटोरियल रेगुलर बेसिस पे पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एंटोनियम और सिनोनियम में कोई गारंटी नहीं है कहां से क्वेश्चन पूछ ले। इसके अलावा अगर ब्लू बुक की बात कर रहे हो तो ब्लैक बुक बेनिफिशियल हो सकती है, SP बख्शी की बुक बेनिफिशियल हो सकती है, ब्लैक बुक नाम से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा SP बख्शी की बुक आती है, उसमें से एंटोनियम सिनोनियम पक्का हमारे एग्जाम के अंदर बहुत सारे जो है हमारे एग्जाम में यहां से पूछे जाएंगे। SP बख्शी ब्लैक बुक को याद कर सकते हो, एडिटोरियल रेगुलर बेसिस पे पढ़ सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। अब बात आती है अगले पोर्शन में idioms एंड phrasal verbs। तो idioms एंड phrasal verbs मैंने बहुत सारी याद करवाई हुई है आपको, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में idioms और phrasal verb मिल जाएगी, तो वहां से आप idioms और phrasal verbs को याद कर सकते हो। यहां से एग्जाम में पक्का क्वेश्चन इनमें से आएंगे, तो idioms और phrasal verb आप यहां से याद कर सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के सारे याद कर सकते हो, और हमारे जो टेस्ट पेपर होते हैं लाइव क्लास में वहां पे आप कर सकते हो। तो ये वोकैब कैसे करनी है ये भी मैं आपको बता चुका हूं, और एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जाएगी ये भी मैं आपको पूरे पार्ट्स बता दिए, एरर फिलर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटरमिनर प्रीपोजिशन। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि इसका बेसिक पढ़ने के लिए आप प्लस कोर्स को सब्सक्राइब करें, प्लस के अंदर जाएं, और प्रैक्टिस के लिए मैं कैसे करने वाला हूं ये मैंने बता दिया है। इस मंथ में मैं ये सारे टॉपिक कवर करूंगा जिसमें से हमारे एरर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट मंथ में और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस और ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स पूरे 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, स्पेशल क्लास रेगुलर लिया करो, मेरी अनअकैडमी ऐप पे चल रही है। इसके अलावा ये 4 टॉपिक जो हैं पैसेज क्लॉज टेस्ट हैं कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन सभी के 100+ क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं नेक्स्ट मंथ से आपको यूट्यूब पे करवाने वाला हूं इसी चैनल पे।
इसलिए बने रहिए, और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करवा लेना जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनसे। और जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी का ऐप नहीं डाउनलोड किया है जल्दी करें, क्योंकि वहाँ पर रेगुलर टेस्ट चल रहा है और रेगुलर सेशन में एरर के क्वेश्चन भी किए जाते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड सेंटेंस भी किए जाते हैं, और वॉकैब के क्वेश्चंस भी वहां पर किए जाते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी और हम कोशिश करेंगे और हम पक्का वी विल अचीव 85% स्कोर इन CDS इंग्लिश फॉर CDS 2 2021। ये टारगेट है और ये हम अचीव करके रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, और ये बहुत ही अचीवेबल स्कोर है, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए प्लस कोर्स को सब्सक्राइब कर लेना, फीस में यहां पर बता चुका हूं, और डिस्काउंट कैसे मिलेगा ये भी बता दिया, RETHORE 10% 10% डिस्काउंट के लिए। देन दिस इज आर बैच मिशन IIM क्लासिक बैच फॉर CDS 2 2021, यहां से आप सारे बेसिक पढ़ सकते हैं और सारी की सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी चैनल पर। सो गाइज थैंक यू, और सब्सक्राइब कर लीजिए, मैंने आपको टोटल चीजें बता दी है कि हम लोग एग्जाम में क्या पूछा जाता है और हम कैसे इसके प्रैक्टिस करने वाले हैं। हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द सेशंस जो कि 12th से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे। हम सब लाइक कर दीजिएगा सेशन को और कमेंट करके बताना कौन सा टॉपिक आप लोग पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी स्पेशल क्लास में, प्लस के सेशन में और यूट्यूब क्लास पे, और अचीव करते हैं हमारा टारगेट। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।